अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई सब खैरियत से है? तो भाई ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कमर्शियल की जो है ना, रेंट पे, रेंट की प्रॉपर्टी है। ये हमारे सत्तार भाई बोल के है, उनकी जो है ना पहाड़ी शरीफ में एयरपोर्ट की रोड पे जो सो मड़गी है, खाली मड़गी है भाई। किराए पे ज़रा डालने देने का है, ज़रा देखो ना कोई अच्छी चीज़ है, ज़रा आप डालो वीडियो बोल के। बोल तो मैं अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो आप लोग देखो भाई। ये मड़गी जो है ना बेहतरीन चीज़ है। फ्यूचर में जो सो यहाँ पे फ्रूट मार्केट खुलने वाली है पहाड़ी शरीफ में, जैसा कि आप लोग मालूम है कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। वीडियो भी मैं इसके बाद में डाल रहा हूँ, देखो आप लोग। पूरे शेड्स वगैरह सब डाल दिए, रमज़ान में चालू होने वाली है कैसा भी इंशाल्लाह ताला। तो वो फ्रूट मार्केट खुल गई तो ये मड़गी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है भाई। किराया 12,000 बोल रहे हैं, नेगोशिएबल है, और 1 लाख एडवांस बोल रहे हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और सामने भी डाल दे रहा हूँ नीचे, आप सीधा कॉल करके भाई से बात कर लो। बेहतरीन चीज़ें फ्यूचर में, आप आंध्रा मिल्स का चाइनीज़ फूड कोसा भी डाले तो केवल। तो मेन जो है ना ये फ्रूट मार्केट की जो सो बड़ी गेट इनकी मड़गी के अपोजिट रोड पे है, तो इनशाला बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अभी फिलहाल कुछ भी डाल के चला लो, या तो गोदाम जैसे यूज़ कर लो भाई। 1-2-3 महीने के बाद में इनशाला कैसा भी रिटर्न्स दबा के आने वाले हैं वहाँ पे, तो वैल्यूबल चीज़ है। अगर अभी अपन ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करा लिए, तो अपने 2-3 साल 5 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करा लिए अपन तो अपन कॉन्ट्रैक्ट करा लिए तो भाई अपने फायदे में रहते हैं। अपन अब करा लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता बोलते, अपन 3-4 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लिए तो अपने फ्यूचर में जैसे भी जब अपना बिजनेस बढ़ेगा, तो जब अपने को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है ये चीज़। इसलिए बोल के ख़ास तौर से ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। अगर कोई भाई बिजनेस चालू करने का सोच रहे या करने वाले हैं, उन लोगों को आप लोगों सजेस्ट करिए ये वाला वीडियो, ठीक है ना भाई? और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। चलो फिर वीडियो शुरू करेंगे अपन। तो भाई ये है देखो भाई फ्रूट मार्केट, ये जो दिख रही है, एक बड़ी कमान जो कि बड़ी गेट यहाँ से है, जहाँ से लारियाँ वगैरह सब एंट्री यहाँ से होंगी। ये शेड्स पूरे रेडी हो गए, 50-60% काम तो रेडी हो गया ऑलरेडी। डेली काम चल रहा है जेसीबी का। ये बाजू में पीओपी की है भाई, किच मड़गी है वो भी सत्तार भाई की हमारे। ये मड़गी खाली है, शेड डाले हुआ है साथ में, नीचे डबल मड़गी है वो। ये देखिए बाजू में भी है SM टी कॉफ़ी बोल के, इन्होंने भी पूरा रेडी करके रखे हैं ना, खाली बस फ्रूट मार्केट खुलने के इंतज़ार में है भाई, खुलते ही पहले चालू करेंगे बोल के। तो वैसे भाई आप भी टिफ़िन सेंटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और भाई खैरियत से सब जने? तो आज ये रेंट की प्रॉपर्टी है हमारे सत्तार भाई की, जो कि मड़गी का किराया बोल रहे भाई 12,000, जो कि पहाड़ी शरीफ पे एयरपोर्ट रोड की मेन रोड है। सामने जो सो फ्रूट मार्केट है, जैसे कि आप लोगों ने पहले बताया, मैं फ्रूट की मार्केट है, जबकि रमज़ान में इंशाल्लाह ओपन होने वाली है। चांस में मड़गी है, फौरी ले ले जो है ना, कुछ भी अब टेम्पररी कारोबार कर सकते हैं, जैसे बाद में जो है ना फ्रूट का कारोबार कर सकते हैं। बेहतरीन कारोबार होते हैं इसके ऊपर। और ये मड़गी फिलहाल किराया भी कम बोल रहे हैं, अग्रीमेंट बना लो 1-2 साल का, कम रेट में 1-2 साल तक क्या से मिल जाता आप लोगों को। 12,000 किराया बोल रहे, डबल मड़गी है, इतनी मड़गी का 6,000 रहता था किराया, मगर सत्तर रुपये हमारे साथ में पीछे तक दे दे रहे हैं 12,000 में। और एडवांस जो सो 1 लाख बोल के बोल रहे हैं, नेगोशियेबल है भाई, से आके मिल के बात कर लो आप लोग, इनशाला कम करके दे दे दें। और ये होटल के ऐसा सेटअप करे भाई, कोई अगर टेम्पररी कैफेटेरिया लंच वगैरह जैसे होटल अगर चला लिए, तो फ्रूट मार्केट खुले बाद भी रेस्टोरेंट अगर जो है ना लोग बाहर आके खाते, अंदर नहीं खाते कोई भी, ये चीज याद रखो। सामने दिख रही ना, वो है फ्रूट मार्केट, ये देखो, ये पूरा फ्रूट मार्केट ही है, शेड वेड डाले हुआ है। इंशाल्लाह रमजान में ओपन होने वाली है बोल के बोले ऑलरेडी अकबर साहब, असद साहब, मैडम भी बोले इंशाल्लाह जल्द से ओपन होने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सत्तार भाई का नंबर दे दे रहा हूँ, आप लोग सत्तार भाई को कॉल करो, इंशाल्लाह डील फाइनल कर लो, ठीक है ना भाई? चलो मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए भाई मड़गी के बाहर का वो साइड से शाइन नगर बारकस से आ रहे, जा रहे सो रोड है वो साइड से। अगर आ रहे तो रिटर्न में अपन एयरपोर्ट से वापस आ रहे तो अपनी मड़गी के साइड से आते हैं, लेफ्ट साइड से। बेहतरीन चीज़ है इंशाल्लाह, देखो आप लोगों का 70 भाई के नंबर पर आपको दे दे रहा हूँ मैं, कॉल कर लेके आप लोगों बात कर लो भाई, जो भी है कम से कम करके लगा देते हैं उन्होंने।